आज हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड यूज़ विच इज़ कॉल्ड द जीन थेरेपी। नाउ व्हाट इज़ जीन थेरेपी? जीन थेरेपी एक करेक्टिव थेरेपी है जिसमें हम किसी भी डिफेक्टिव जीन को फंक्शनल जीन से रिप्लेस कर देते हैं। हमारी बॉडी में ज़्यादातर बीमारियाँ तब होती हैं अगर हमारा DNA डिफेक्टिव हो। इनमें से कॉमन एग्जाम्पल है SCID, दिस इज़ अ डिजीज़। इस बीमारी में का फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। S इज़ फॉर सीवियर, C इज़ फॉर कंबाइंड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डिफिशेंसी सिंड्रोम। ये SCID डिजीज़ जो है ये हमारी बॉडी में तब होती है जब हमारी बॉडी में ये जीन डिफेक्टिव हो जाता है। दिस जीन वॉज सपोज टू प्रोड्यूस एन एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज, और ये एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज इसका काम था लिम्फोसाइट यानी कि वाइट ब्लड सेल को डेवलप करने में मदद करना। तो अगर एडिनोसिन डीएमिनेज हमारा एब्सेंट हो जाए या नॉन फंक्शनल हो जाए तो हमारे WBC मैच्योर नहीं होंगे। हमारा अगर WBC मैच्योर नहीं होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी, एक साथ हो जाएंगी। तो दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड SCID, सीवियर कम्बाइंड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। नाउ ये ADA डिफिशेंसी जो होती है, एडिनोसिन डी एमिनेज इंजाइम की कमी जब हमारे शरीर में होती है तो हमें SCID की बीमारी होती है। इसके दो ट्रीटमेंट थे, एक था एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसका मतलब ये जो एंजाइम है एडिनोसिन डी एमिनेज इसको इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट को दे देना, दिस इज़ कॉल्ड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दूसरा होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। नाउ ये जो वाइट ब्लड सेल्स या लिम्फोसाइट होते हैं ये हमारे बोन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो दैट मीन्स हमारा बोन मैरो डिफेक्टिव है। हमारे बोन मैरो के अंदर जो जीन्स हैं, जो DNA है, वो डिफेक्टिव है। तो पूरे के पूरे बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी हेल्दी इंसान का बोन मैरो किसी डिफेक्टिव पर्सन में डाल देंगे। जब हेल्दी बोन मैरो हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो हेल्दी बोन मैरो ऐसे लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है जिसका ADA फंक्शनल हो, जिसमें जीन डिफेक्टिव ना हो। दीज आर द नॉर्मल मेथडोलॉजीज ऑफ ट्रीटमेंट। ये देखिए, दिस इज सीवियर कम्बाइंड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम SCID। नॉर्मल इंसान का जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, द टी सेल्स एंड द बी सेल्स। दीज आर लिम्फोसाइट्स, इन सेल्स को हम बोलते हैं लिम्फोसाइट या वाइट ब्लड सेल्स का ये एक टाइप होते हैं, देर आर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। तो ये मेच्योर होते हैं और ये हमारी इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। लेकिन जिस इंसान को SCID है उसकी बॉडी में ADA एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसके वजह से उसका टी सेल बी सेल प्रोड्यूस नहीं होगा, और टी सेल बी सेल प्रोड्यूस नहीं होगा तो इट विल नॉट बी एबल टू फाइट इन्फेक्शन और से बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो दिस इज SCID। दिस इज़ अर बोन, ये हमारी लेग बोन है। बोन के अंदर एक जालीदार सब्सटेंस होता है जिसे मैरो कहते हैं, बोन मैरो। दिस बोन मैरो इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल एंड द प्लेटलेट्स। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं हमारे पास बहुत तरह के होते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये तीन, जिनमें ग्रेन्यूल या दाने होते हैं, और ऊपर होता है लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। नाउ दीज लिम्फोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट इन्फेक्शन। ये दो तरह के होते हैं, टी सेल्स बी सेल्स, और इनकी डेवलपमेंट के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए ADA, एडिनोसिन डी एमिनेज। अगर ये एंजाइम फंक्शनल ना हो तो हमारा लिम्फोसाइट बनेगा नहीं और हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। सो इसकी ट्रीटमेंट जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पहली ट्रीटमेंट तो ये है कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी। हर हफ्ते एवरी वीक ADA एंजाइम के इंजेक्शन हम पेशेंट को प्रोवाइड करते रहे, जिसके वजह से इंसान ही विल फील बेटर, मतलब ही कैन प्रोड्यूस द फंक्शनल लिम्फोसाइट। दूसरा तरीका है बोन मैरो रिप्लेसमेंट। बोन मैरो में इसकी पूरी की पूरी बोन मैरो जो अंदर की है वो रिप्लेस हो जाती है, सो अगेन दैट विल मेक हिम फील बेटर। और तीसरा तरीका ये है बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड। नाउ लेट अस डिस्कस दैट। जिन लोगों को SCID होता है उनको नॉर्मल इन्वायरमेंट में ज़्यादातर निकलने नहीं देते, प्लास्टिक बैग में उसको रखा जाता है ताकि उन्हें इन्वायरमेंट से कोई इन्फेक्शन ना हो। दिस इज़ नोन एज द प्लास्टिक बबल सिंड्रोम, प्लास्टिक बॉय सिंड्रोम और द बबल बॉय सिंड्रोम। जीन थेरेपी में हम लिम्फोसाइट को पेशेंट की बॉडी से रिमूव करते हैं,
उसके बोन मैरो से रिमूव करते हैं और लैब में हम उसे ग्रो करते हैं कल्चर मीडियम में। उसके बाद हम एक फंक्शनल ADA जीन का कॉपी DNA बनाते हैं, यानी कि किसी भी इंसान से ADA जीन लेते हैं और उसका एक कॉपी DNA बनाते हैं, वी मेक अ कॉपी DNA, और उस कॉपी DNA को हम इस पेशेंट के लिम्फोसाइट में ट्रांसफ़र करते हैं यूजिंग अ रेट्रोवायरस। सो रेट्रोवायरस जब ADA जीन को लिम्फोसाइट में ट्रांसफ़र कर देगा तो ये लिम्फोसाइट मॉडिफाई हो जाएगा, यानी कि ट्रांसजेनिक हो जाएगा, बिकॉज नाउ ही विल हैव अ जीन ऑफ सम अदर इंडिविजुअल, ह्यूमन बट सम अदर इंडिविजुअल। इन मॉडिफाइड लिम्फोसाइट को हम इसी पेशेंट के बोन मैरो में वापस ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे वो ADA एंजाइम प्रोड्यूस करता है। नाउ इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लिम्फोसाइट होते हैं दे हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ ओनली 6 मंथ्स, तो 6 महीने के बाद ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करना पड़ता है। ये क्योर सिर्फ तभी परमानेंट हो सकता है अगर हम इस जीन को एम्ब्रियो कंडीशन में ट्रांसफ़र करें, जब सारे के सारे सेल्स हमारे स्टेम सेल्स होते हैं, दैट मीन्स दे आर एबल टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोन मैरो से हमने बोन मैरो से लिम्फोसाइट्स लिए, दे हैड डिफेक्टिव जीन, आप देख सकते हैं रेड कलर का डिफेक्टिव जीन है। फिर हमने रेट्रोवायरस की मदद से ADA जीन को इसके न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र कर दिया, राइट? सो दिस इज़ अ रेट्रोवायरस और हमने ADA जीन को इसकी न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ द लिम्फोसाइट विल ऑल्सो हैव अ नॉर्मल जीन, आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर का जीन नॉर्मल जीन है, और इस लिम्फोसाइट को हम वापस इसकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 6 मंथ्स तक इसकी बॉडी के लिम्फोसाइट ADA एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने पेशेंट के बोन मैरो से सेल्स को रिमूव किया, एक वायर रेट्रोवायरस को लिया ताकि वो डिजीज़ कॉज ना करे, और इसके अंदर ADA जीन डाल दिया हमने, वी पुट इन द ADA जीन इन द रेट्रोवायरस, एंड इस रेट्रोवायरस को हमने इन सेल्स को इन्फेक्ट करने का चांस दिया। द रेट्रोवायरस इन्फेक्टेड दीज लिम्फोसाइट सेल्स और इसने ये जो ब्लू कलर का ADA जीन है उसको ट्रांसफ़र कर दिया इनटू द लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट ट्रांसजेनिक हो गया है और इसको वापस पेशेंट के बोन मैरो में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड जीन थेरेपी। आज के लिए इतना ही करते हैं, हैव अ नाइस डे।